Hello everyone, today we start a new topic of class 12th, which is known as determinants. Determinants means सारणी. इससे पहले अपने मैट्रिक्स चैप्टर स्टडी की थी, उसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड भी determinants हैं. सो फर्स्ट वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ determinants. सारणी की परिभाषा क्या है? Definition: every square matrix is related to a finite element. And expression: कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू, निश्चित वैल्यू से रिलेटेड होता है. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने देखा था मैट्रिक्स के अंदर, तो उस हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है उससे संबंधित. वो जो वैल्यू है, वो जो निश्चित मान है उसका, वो जो व्यंजक आएगा उसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, वही उस मैट्रिक्स का सारणी होगा. और जो मान होगा उसे अपन उस सारणी का मान कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज If A is equal to 1, 2, 3, 4, ये कोई भी A मैट्रिक्स है, ओके? अब ये सारणी में कब चेंज होगा? इस मैट्रिक्स का जो सारणी बनेगा वो क्या बनेगा? इसे अपन बोलते हैं determinant of A. A मैट्रिक्स का सारणी 1, 2, 3, 4, मैट्रिक्स ए का ये सारणी है. इसको अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर. डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है. तो कोई भी मैट्रिक्स ए है, ये वर्ग मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है. कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 1 by 1, ये सब एग्जाम्पल्स आपको मैट्रिक्स में बता देते हैं. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है. इसका सारणी जो फॉर्म होगा वो ये होगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए को रीड करते हैं अपन, या फिर सारणी ए भी पढ़ सकते हैं. इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. इट मींस यहां पे अपन ने जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज में लिए थे उसकी जगह अब आएगी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी दोनों तरफ. इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसको अपन डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो हो गया इस मैट्रिक्स ए का सारणी. अब इस सारणी का मान कैसे निकालेंगे अपन? इसका जो मान आएगा वो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं. तो मुख्य विकर्ण के अवयव यहाँ पे 1 और 4 है, तो 1 × 4 − 2 × 3. पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे उसमें से, फिर जो लेस लीडिंग डायगोनल है उसके अवयवों को गुणा करके माइनस करेंगे. मुख्य विकर्ण 1 × 4 − 2 × 3 इज इक्वल टू 4 − 6 इज इक्वल टू −2. ये जो −2 है वो इस सारणी ए का मान आएगा. तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसकी कोई ना कोई एक निश्चित मान होता है, उस निश्चित मान को ही अपन उसका सारणी बोलते हैं, उस सारणी का मान होता है. ऐसे ही मान लो एल्जेब्रिक फॉर्म में भी आ सकता है, बीजी में जितने भी मान हो सकता है सारणी का. फॉर एग्जांपल, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका जो सारणी रूप होगा वो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये इसका सारणी रूप हो गया. अब जब अपन इसका मान निकालेंगे, इसको हल करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आएगी? इज इक्वल टू, कोई पहले पर लीडिंग वैल्यू मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, इट मींस ए डी फिर माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी. तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक बीजीय व्यंजक है. तो किसी भी सारणी का मान एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है. इसका मतलब कोई भी निश्चित संख्या भी हो सकती है और बीजीय व्यंजक भी हो सकता है. Suppose any other matrix, यहाँ पे इस first matrix
सारणी का जो मान आया है माइनस टू आया है, तो सारणी का मान धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स थे डिटरमिनेंट के। डिटरमिनेंट को अपन रिप्रेजेंट करना, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन और उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, प्रथम कोटि के आव्यूह का सारणी। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर किसे बोलेंगे अपन? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक स्तंभ हो और एक पंक्ति हो। मैट्रिक्स के अंदर हमने एग्जांपल रखे थे बहुत सारे, एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही अवयव होगा। सपोज एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये एक इसका अवयव है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। अब इसको अपन सारणी में चेंज कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके अपन शॉर्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ए का सारणी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये सारणी क्यों हो गया, अब इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अदर एग्जांपल इफ बी इज इक्वल टू -2, ये भी वही 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका भी जो सारणी रूप हुआ वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अपन इसको इसको में भी ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू -2। ये जो मैट्रिक्स बी है इसका सारणी रूप ये हो गया। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा -2। यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ये जो साइन है वो एक सारणी को रिप्रेजेंट करने का साइन है, इसको आप मोड मत नहीं समझना है, मापांक नहीं है, ये क्या है, सारणी को रिप्रेजेंट करने के साइन है, टू स्टैंडिंग लाइन। तो इसको पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 आएगी, यहाँ पे +2 नहीं आएगा क्योंकि ये मापांक नहीं है, दिस इज नॉट मॉड। So determinant of B, ये जो B matrix है इसका मान आएगा -2। तो ये सब examples प्रथम कोटि के अवयव के सारणी के हैं। इसका मतलब ऐसी matrix जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, उसको अपन प्रथम कोटि के का matrix बोलेंगे, और उसका जो सारणी होगा उसमें जैसा कि मैट्रिक्स के अंदर भी एक ही अवयव है तो उसमें भी एक ही अवयव होगा, इसका मान अपन निकालेंगे तो डायरेक्टली जो अवयव है वही उस सारणी का मान होगा। सारणी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सारणी -2 है, इसका मान -2 होगा, यहाँ पे ये मापांक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं द्वितीय कोटि का मतलब क्या होता है। द्वितीय कोटि का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर दो स्तंभ हो एवं दो पंक्ति हो। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स विच है 2/2 ऑर्डर, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 हो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि के आव्यूह बोलेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, सपोज इफ ए इज इक्वल टू
a is equal to a11 a12 a21 a22 सेकेंड ऑर्डर, इसका मतलब टू रोज एंड टू कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको जब अपन डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे, सारणी में चेंज करेंगे, इसको अपन शॉर्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं। इसको जब अपन सारणी में चेंज करेंगे तो a11 a12 a21 एंड a22 ये इसका स्टार्टिंग फॉर्म हुआ। ये जो मैट्रिक्स ए है इसका जो स्टार्टिंग फॉर्म हुआ वो ये हो गया a11 a12 a21 a22। अब इसका जो मान निकालेंगे अपन, ये जो स्टार्टिंग है ए, इसका जो मान होगा वो क्या होगा उसी मेथड से निकालेंगे। पहले अपन मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या क्या है यहाँ पे, a11 मल्टीप्लाई a22, फिर माइनस a21 मल्टीप्लाई a12। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं a11 a22 माइनस a21 a12। पहला मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा किया a11 इनटू a22, फिर माइनस साइन आएगा a21 इनटू a12। तो a11 मल्टीप्लाई a22 माइनस a21 मल्टीप्लाई a12। अदर एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 है इसका। इसको अपन सबसे पहले वो डिटरमिनेंट ऑफ ए सारणी फॉर्म में चेंज करेंगे, 1 2 3 4। तो सारणी फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले भी स्क्वायर करेंगे, उसको अपन स्टैंडिंग थ्री लाइंस के अंदर चेंज करते हैं दोनों तरफ। ये तो हो गया इसका सारणी फॉर्म। अब इस सारणी का मान क्या होगा, इस सारणी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा किया 1 * 4 4 माइनस 3 * 6 4 - 6 = -2। तो -2 इस सारणी का मान हो गया। तो ऐसे अपन जो सेकंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसको अपन पहले मैट्रिक्स को सारणी में चेंज करेंगे, सारणी में चेंज करने के बाद उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं कि जो सारणी का मान है वो -2 आ रहा है, इसका मतलब किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी सारणी का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान हो सकते हैं। तो ऐसे अपन द्वितीय कोटि का जो अवयव होता है उसको अपन सोल्व करते हैं। तो जो द्वितीय कोटि का जो अवयव होता है उसमें 2 columns and 2 rows होती है, इसका मतलब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। सपोज अदर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हैव एलिमेंट्स -3 2 4 6, 2x2 ऑर्डर का है, इसका मतलब इसको अपन सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, -3 2 4 6। ये मैट्रिक्स बी है, इसका सारणी बन गया है, ये सारणी का है। अब इसका मान अपन निकालेंगे, मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले गुणा करेंगे। तो -3 * 6 इट मींस -18, फिर माइनस साइन आएगा, फिर 4 * 4 = 8, -18 एंड -8 -26। तो ये जो मैट्रिक्स बी है इसका मान भी क्या आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है। इस प्रकार अपन कोई भी सेकंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर।
मींस क्या हुआ, तृतीय कोटि के आव्यूह सारणी। अभी अपन ने प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के आव्यूह को सारणी रूप में कैसे चेंज करते हैं और कैसे इसका मान निकालते हैं वो देखा है। अब अपन देखेंगे तृतीय कोटि के आव्यूह सारणी। सपोज ये एक कोई भी तृतीय कोटि का मैट्रिक्स है। तृतीय कोटि का मतलब क्या हुआ, द स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैव 3 रोस एंड 3 कॉलम्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रोस और 3 कॉलम्स हो तो उसे अपन बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। 3 रोस और 3 कॉलम्स इसके अंदर, इसका मतलब ये एक जो मैट्रिक्स है वो 3 बाय 3 का है। अब इसको पहले अपन सारणी में चेंज करेंगे, इसके बाद उसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको सारणिक फॉर्म में राइट करेंगे। सारणिक फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन कोई स्केलिंग लाइन यूज कर लेंगे। एलिमेंट्स आर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ये एलिमेंट्स हैं इसके। तो मैट्रिक्स ए को अपन इस सारणी के अंदर चेंज कर लिया। ये जो मैट्रिक्स ए था वो अब सारणी ए में चेंज हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए जिसको अपन डेसिमल परसेंट करते हैं। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे अपन। इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फर्स्ट जो अवयव है वो है a11। इस a11 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अपन ने ये a11 लिया, a11 ये तो इसकी पहली पंक्ति और ये हो गया इसका प्रथम कॉलम। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के जो अवयव हैं उनको छोड़ देंगे और बाकी जो चार अवयव बचे हैं उनको अपन सारणी रूप में लिखेंगे। तो a11 देन a22 a32 a23 a33। तो सबसे पहले अपन पहला इसका अवयव लेंगे, पहला अवयव इसका ये है a11। इसके बाद में अपन ने पहली पंक्ति और पहली स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे, बाकी के अवयव बचे हैं उनको अपन सारणिक फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद में फिर माइनस साइन आएगा, दूसरा अवयव आएगा a12। अब वो ये अपन करेंगे, ये a12 दूसरी इसकी जो दूसरा स्तंभ है इसमें है ये अवयव, तो दूसरे स्तंभ को पूरे को छोड़ देंगे और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे। इसका मतलब बाद में अपने पास जो चार अवयव बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं, a21 a23 a31 एंड a33। ये स्तंभ छोड़ देंगे और ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो बाद में अपने पास a21 a31 a23 एंड a33 प्लस लास्ट वाला जो अवयव है वो है a13। a13 वो तीसरे स्तंभ है, तो तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे और पहली पंक्ति के अवयव को छोड़ेंगे। इसके बाद में अपने पास अभी चार अवयव बचे हैं, उनको फिर से अपन सारणिक फॉर्म में लिखेंगे a21 a31 a22 एंड a32। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, तो जो तृतीय कोटि का सारणिक है उसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको उसके प्रथम पंक्ति के जो अवयव है उनसे अपन सॉल्व करेंगे। पहला अवयव जो a11 था इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पंक्ति को और प्रथम कॉलम के अवयव को छोड़ के बाकी जो चार अपने पास एलिमेंट्स बचे हैं उनको सारणिक फॉर्म में लिखेंगे। फिर माइनस a12 दूसरा अवयव आ जाएगा। ऐसे अपन आप इस दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और प्रथम पंक्ति के अवयव को छोड़ देंगे, अपने पास चार अवयव बचेंगे a21 a23 a31 a33। फिर प्लस a13 इसके लिए तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे और पहली पंक्ति छोड़ देंगे, अपने पास ये चार अवयव बच गए a21 a22 a31 a33। तो इनको अपने सारणिक फॉर्म में ऐड करते हैं। अब आगे वही मेथड अपना हल करने का, इज इक्वल टू a11 मल्टीप्लाई मुख्य विकर्ण के अवयव a22 मल्टीप्लाई a33 माइनस a23 मल्टीप्लाई a32 माइनस a12 इनटू मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले गुणा करेंगे a21 मल्टीप्लाई a33 माइनस a31 मल्टीप्लाई a23 प्लस
a13 मल्टीप्लाई वही मुख्य विकर्ण निकल गए होंगे पहले a21 मल्टीप्लाई a32 माइनस a31 मल्टीप्लाई a22। तो ऐसे हम कोई भी थर्ड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको बनावी में चेंज करेंगे, सॉरी उसको सारणी में चेंज करेंगे, उसके बाद में उसका मान निकालेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज ये ए कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, सपोज 1 2 3 -1 0 2 देन 3 2 1 तृतीय कोटि का ये कोई मैट्रिक्स है, इसको अपन सारणी में चेंज करेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सारणी में चेंज किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 3 2 1। अब इसका मान निकालेंगे, तो मान निकालने के लिए अभी मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले अपन पहली जो पंक्ति है इसका पहला अवयव लेंगे ये 1, इसके बाद में इसके लिए अपन ये क्रॉस ये क्रॉस ये और ये छोड़ देंगे। इसके बाद में अपने पास जो एलिमेंट्स बचे हैं वो क्या एलिमेंट्स बचे हैं 0 2 1 तो 0 2 2 1। इसके बाद में -2 जब अपन करेंगे तो अगेन अपन जो पहली पंक्ति है वो और दूसरा स्तंभ इसको अपन कंप्लीट छोड़ेंगे। तो इसके बाद अपने पास हो गई मुझे -1 3 2 1 ऐसे ही +3 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इसके लिए अपन पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, बाकी अपने पास -1 3 0 2 जो अवयव बचे हैं उनको अपन सारणी फॉर्म में लिखेंगे। 1 × 0 × 0 − 4 −2 × −1 − 6 +3 × −2 − 0 is equal to −4 − 7 so +14 and −6 that is −10 +14 is equal to 4। तो ऐसे अपन कोई भी थर्ड ऑर्डर जो तृतीय कोटि का जो मैट्रिक्स उसको अपन सारणी में चेंज करते हैं, उसके बाद में उसका हल निकालते हैं। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, पहले अपन कोई प्रथम पंक्ति का अवयव लेते हैं, प्रथम पंक्ति का पहला अवयव a11 हुआ, इससे रिलेटेड अपन प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे, बाकी को सारणी में लिखेंगे। इसके बाद में माइनस साइन आएगा, फिर दूसरा अवयव आएगा, दूसरे अवयव का सारणी निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसका मतलब प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी आ जाएंगे a21 a31 a23 a33 और फिर प्लस a13 तीसरा अवयव आ गया। तो इसके लिए अपन प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी अवयव लिखेंगे और फिर उनको अपन सॉल्व करेंगे जैसा कि इस एग्जांपल में किया है। इसके बाद में हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव को पहले गुणा करते हैं -2 0 0 -2 4 तो ऐसे अपन कंप्लीट सॉल्व करते हैं थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास एक मेथड और है, वो भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद में सॉल्व करने का एक मेथड और है जिसको अपन बोलते हैं सारोस डायग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सारोस डायग्राम, सारोस चित्र से सारणी को हल करना। तो इस सारोस चित्र के अंदर अपन क्या करते हैं, पहले अपन जो अपने को जो सारणी दिया हुआ है उसको अपन एक सारस चित्र के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सारस चित्र के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो सारणी का
समझते हैं, सपोज इसको अपने को हल करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका मान निकालना है, मैंने ऑलरेडी एक डिटरमिनेंट है सारणिक है ए, तो इसका मान निकालना है किससे, सारूस डायग्राम से, सारूस चित्र से अपने को इसका हल निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या चाहिए, इसको हल करने के लिए अपन अपने पास सारणिक दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये अपने पास सारणी ए दिया हुआ है, इसको अपने को सारस डायग्राम से हल करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके जो प्रथम और द्वितीय स्तंभ के अवयव है इनको वापस से एक बार और लिखेंगे। तो जो पहला स्तंभ है वो है ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा स्तंभ बी वन बी टू बी थ्री। सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि जो सारणी दिया हुआ है उसके अंदर प्रथम और द्वितीय स्तंभ को वापस से एक बार लिखेंगे। इसके बाद में अपन इसके मुख्य विकर्ण बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन ए थ्री से, इसका पहला मुख्य विकर्ण ये है ए थ्री बी टू सी वन। इसके बाद में दूसरा मुख्य विकर्ण बनाएंगे बी थ्री सी टू ए वन। इसके बाद में तीसरा मुख्य विकर्ण बनाएंगे सी थ्री ए टू बी वन। ये तीन मुख्य विकर्ण बनाएंगे, ऐसे ही अब अपन जो तीन जनरल विकर्ण है वो भी बनाएंगे, क्योंकि अपन सामान्य विकर्ण या निचले विकर्ण लेसर विकर्ण भी बोलते हैं डाइलस। तो सबसे पहले तो अपन इस सारणी का मान निकालने के लिए अभी अपन ने जो तीन मुख्य विकर्ण बनाए हैं उनके अवयवों का गुणनफल करके योग करेंगे। पहले पहला जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयवों का आपस में गुणा किया, प्लस दूसरे मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे, और प्लस तीसरे मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे। तो जो पहला मुख्य विकर्ण है इसके अवयवों का गुणा क्या हुआ, ए थ्री बी टू सी वन, प्लस द्वितीय मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा बी थ्री सी टू ए वन, प्लस तृतीय तीसरा जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयवों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा सी थ्री ए टू बी वन। ये अपने जो इसके तीन मुख्य विकर्ण थे उनके अवयवों का गुणा किया अलग अलग और फिर उनका योग निकाल लिया। अब ऐसे ही अपन इसके तीन जो विकर्ण है ये तो मुख्य विकर्ण थे, अब जो जनरल डायग्राम्स हैं उनका भी अपन मान निकालेंगे। तो ए वन से स्टार्ट करेंगे अपन, ए वन बी टू सी थ्री, ये पहला जनरल डायग्राम होगा ए वन बी टू सी थ्री, ए वन बी टू सी थ्री। इस ये जो विकर्ण है इसके अवयवों का भी अपने गुणनफल करेगा, प्लस जो दूसरा जनरल डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा बी वन सी टू ए थ्री, बी वन सी टू ए थ्री, तो प्लस बी वन सी टू ए थ्री। ऐसे तीसरा जनरल डायग्राम ये तीसरा विकर्ण हुआ C1 A2 B3, C1 A2 B3, C1 A2 B3। ये मेथड हो गया जिसको अपन बोलते हैं सारूस डायग्राम। सारूस डायग्राम की हेल्प से किसी थर्ड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना, उसका मान निकालना। तो सारस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को करना क्या है, कोई भी जो 3 बाय 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स गिवन है उसको सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे, सारणी रूप में लिखेंगे, इसके बाद ही जो पहले और दूसरे जो स्तंभ के अवयव हैं उनको वापस से लिखेंगे, फिर इसके जो तीन मुख्य विकर्ण हैं वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे मुख्य विकर्ण के अवयवों को वन बाय वन। पहला जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयवों का अपन ने गुणनफल निकाला ए थ्री बी टू सी वन, फिर दूसरा जो मुख्य विकर्ण है इसके अवयवों का अपन गुणा
इनके अवयवों का भी हम वापस आपस में गुणनफल निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो ये का तो सम आया मुख्य विकर्ण के गुणनफल, मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो गुणनफल है उनका जो सम है, इसमें से अपन इनका सम माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इस सारणी का मान। इसको अपन एक सिंपल एग्जांपल से और वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। Suppose any determinant of A, कोई भी ए सारणी है जिसके अवयव है ये कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको अपने को सारस डायग्राम से हल करना है। तो इसके लिए अपन कोई भी रहेंगे पहले तो इसको क्या होगा वापस से लिखेंगे 1, 2, 0, 2, -1 and 3। सबसे पहला काम इसके जो पहले और दूसरा जो दो स्तंभ है उनके अवयवों पर वापस से लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, वही मुख्य विकर्ण बनाना है। मुख्य विकर्ण पहला मुख्य विकर्ण के अवयव ये हो गए, इसके बाद में दूसरा मुख्य विकर्ण बन गया और ये तीसरा मुख्य विकर्ण बन गया। तो इसका मान निकालेंगे अपन क्या लिखेंगे, पहले प्रथम विकर्ण क्या होगा गुणनफल 1 × -1 × 1 इसका मतलब -1, फिर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 0 इट मीन 0, प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। ये तो मुख्य विकर्ण के अवयवों में गुणनफल का योग हो गया। अब ऐसे ही मान जो जनरल डायग्राम्स है, पहला जनरल डायग्राम्स 0 − 1 = 3, 0 एलिमेंट आ गया इसका मतलब 0 से पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 6 और प्लस 6 देन 1 × 2 = 4 दैट इज -1 + 18 इट मींस 17, 17 − 10 = 7। तो ये इसका मान है। तो ऐसे अपन किसी भी थर्ड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करके उसका मान सारस डायग्राम की हेल्प से भी इजीली निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड हो गए, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करके उसका हल निकालने के लिए। तो 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनको डिटरमिनेंट में चेंज करके अपन सारस डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। Difference between matrix and determinants. Matrix और determinants में difference क्या है? Difference between matrix and determinants. तो अभी उस सारणी के अंदर जो मुख्य अंतर है, सबसे पहला अंतर तो ये है कि अभी अपने जितने भी determinants देखे हैं, जो भी सारणी देखे हैं, उनका कोई ना कोई मान आया। इसका मतलब जो भी डिटरमिनेंट्स होते हैं, जो भी सारणी होते हैं, उनका एक फाइनाइट वैल्यू होती है, उनका एक निश्चित मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। बट जो मैट्रिक्स हैं, जो अवयव हैं, उनका कोई मान नहीं होता। मैट्रिक्स को अपन ओनली रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्डर के अंदर, बाकी उनका कोई मान नहीं होता। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यही हो गया कि डिटरमिनेंट्स हैव ए फाइनाइट वैल्यू, determinants have a finite value but matrix don't have any finite value. So this is first difference. Then second difference is matrix have only difference order. Matrix से कई order होते हैं। अपने देखा था कि matrix 1x1, 1x2, 1x3, 4x1 अलग-अलग order के matrix होते हैं। But जो determinant होता है, जो सारणी होता है, वो ओनली स्क्वायर ऑर्डर का होता है। उसके अंदर 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 सो डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर ऑर्डर, बट मैट्रिक्स है डिफरेंट ऑर्डर्स। मैट्रिक्स में कई सारे ऑर्डर होते हैं, क्रम होते हैं, बट डिटरमिनेंट स्टार्टिंग में ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, स्क्वायर ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिटरमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड
जो भी सारणिक होते हैं उनके अंदर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। मैट्रिक्स के कई सारे ऑर्डर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, वो भी मैट्रिक्स का, पर उसके रोज और कॉलम्स को अपन इंटरचेंज कर देते थे तो अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स आता। तो मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या करते थे, रो रोज कॉलम्स को चेंज करते थे, पंक्तियों के जो अवयव है इट मींस पंक्तियों और स्तंभों को अपन चेंज कर देते थे तो अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स आ जाता। बट जब अपन कोई भी अपने पास डिटरमिनेंट स्थानिक है, यदि अपन उसके पंक्तियों और स्तंभों के अवयवों को चेंज करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगी, उसका जो मान आएगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए मैट्रिक्स था, इसके अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये कोई भी मैट्रिक्स है, अब अपन इसके स्तंभ और कॉलम्स को अपन ने चेंज कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स चेंज हो गई। सॉरी 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स ए था, इसके अपन ने स्तंभ और पंक्तियों को चेंज किया 1 2 3 4 5 6 तो ये मैट्रिक्स चेंज हो गया। बट सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 4 अब अपनी इसमें भी चेंज करते हैं तो भी अपने पास एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 4 ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, ओनली ऑर्डर सेम आएगा। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है, इसको अपन डिफरेंट मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि अपन सारणी में बात करते हैं, सपोज ए सारणी में जिसके अवयव है अपने पास 1 2 3 4 इसकी जो वैल्यू है इसका मान आएगा 4 - 6 = -2। अब यदि अपन मान लो ये जो सारणी के है इसके स्तंभ और पंक्तियों को चेंज कर रहे हैं हम, तो अपने पास 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। अब अपन इसका मान निकाल कर देखते हैं तो इसका जो मान आया अभी भी क्या आया, 4 - 6 = -2। इसका मतलब कोई भी सारणी है इसके अपन पंक्तियों और स्तंभों को अपन चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसका जो मान आएगा वो सेम आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर यदि अपन ऐसा करते हैं तो मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है, वो सेम मैट्रिक्स नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का। Now next topic is minors of determinants. It means सारणियों के उपसारणिक। कोई भी सारणिक दिया हुआ है उसके अपन उपसारणिक कैसे निकालते हैं, इसको अपन बोलते हैं minors of determinants, सारणी के उपसारणिक। जो भी उपसारणिक है उनको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, m for minor, minor means उपसारणिक। mi से, minors are represented by इसके अपन उप सारणिक निकालते हैं, मींस माइनस सॉल्व कर से करते हैं। सबसे पहले अपन पहला अवयव देखते हैं, इसका मतलब इस जो सारणिक है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a11। इस a11 का अपने को निकालना है उप सारणिक, तो इस a11 का उप सारणिक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही ये जो प्रथम रो है और प्रथम कॉलम इनके अवयवों को अपन छोड़ देंगे, तो इसके बाद अपने पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारणिक फॉर्म में लिखेंगे अपन a22 a23 a32 a33। तो -2
माइनर ऑफ ए वन वन हर एक अवयव का मतलब सारणी में लिखते हैं। तो जो पहला अवयव है फर्स्ट एलिमेंट ए वन वन, इसका उपसारणी क्या हो गया ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम वन वन से। ऐसे ही अब अपन जो सेकंड एलिमेंट है ए वन टू माइनर ऑफ ए वन टू, इस ए वन टू का उपसारणी लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ए वन टू इसके द्वितीय स्तंभ में है तो द्वितीय स्तंभ को अपन कंप्लीट छोड़ देंगे और प्रथम पंक्ति के अवयवों को भी, इसके बाद भी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो राइट करेंगे अपन। तो ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम वन टू से। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो उपसारणी है ये किसका है, ए वन टू का है, ए वन टू का उपसारणी, दिस इज माइनर ऑफ ए वन टू। ऐसे अपन माइनर ऑफ ए वन थ्री निकालेंगे, माइनर ऑफ ए वन थ्री इज इक्वल टू, अब ये जो ए वन थ्री एलिमेंट है इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इसके बाद में जो एलिमेंट्स रिमेन है उनको अपन स्टार्टिंग फॉर्म में लिखेंगे ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, ये माइनर ऑफ ए वन थ्री, इसका मतलब ए वन थ्री का उपसारणी आ गया, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम वन थ्री से, एम वन थ्री से। इसके बाद में अपन राइट करेंगे माइनर ऑफ ए टू वन, माइनर ऑफ ए टू वन जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ए टू वन। अब ये जो ए टू वन है वो फर्स्ट कॉलम में है और द्वितीय रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और द्वितीय रो इनके अवयवों को अपन छोड़ देंगे, बाकी जो फोर एलिमेंट्स बच गए अपने पास उनको अपन सारणी फॉर्म में लिखेंगे ए वन टू ए वन थ्री ए वन टू ए वन थ्री एंड ए थ्री टू ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एम टू वन से। ए टू वन जो अवयव है इसका ये हो गया उपसारणी, जिसको अपन माइनर बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास ए टू टू, तो माइनर ऑफ ए टू टू इज इक्वल टू ए टू टू के लिए अपन कोई करेंगे, ये जो सेकंड रो है और सेकंड कॉलम इनके अवयवों को अपन छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स जो बच रहे हैं ए वन वन ए वन थ्री ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री, दिस इज माइनर ऑफ टू टू। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज ए टू थ्री, सो माइनर ऑफ ए टू थ्री, ये जो एलिमेंट है ए टू थ्री इसका भी अपन उपसारणी में लिखेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे जो थर्ड कॉलम है इसके एलिमेंट्स को छोड़ेंगे और सेकंड रो के एलिमेंट्स को, तो अपने पास जो रहने के एलिमेंट्स हैं ए वन वन ए वन टू ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन एंड ए थ्री टू ए थ्री वन ए थ्री टू इज इक्वल टू एम टू थ्री। तो ये हो गया जो ए टू थ्री जो अवयव है इसका उपसारणी हो गया। ऐसे अपन थर्ड रो की जो एलिमेंट्स हैं इनके भी अपन माइनस लिखेंगे, तो सबसे पहला है ए थ्री वन माइनर ऑफ ए थ्री वन इज इक्वल टू ए थ्री वन, इसके लिए अपन क्या करेंगे फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के अवयवों को और थर्ड रो के अवयवों को रहने देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको राइट करेंगे ए वन टू ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू एंड ए टू थ्री, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम थ्री वन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एम थ्री वन। देन नेक्स्ट माइनर ऑफ ए थ्री टू, माइनर ऑफ ए थ्री टू इज इक्वल टू, ऐसे प्रकार से ए थ्री टू है इसका अपन उपसारणी लिखेंगे, तो इसके लिए अपन सेकेंड कॉलम के जो अवयव हैं और थर्ड रो के जो अवयव हैं वो रहेंगे, बाकी एलिमेंट्स अपने पास जो बचे हैं वो अपन राइट करेंगे ए वन वन ए टू वन ए वन वन ए टू वन एंड ए वन थ्री ए वन थ्री ए टू थ्री, दिस इज एम थ्री टू। ए थ्री टू का जो उपसारणी आएगा
इसको अपन m3 टू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा सिमिलरली माइनर ऑफ a33 a33 के लिए अपन थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अवयवों को छोड़ेंगे बाकी जो रिमेन अवयव हैं a11 a12 a11 a12 a21 a22 इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे m33 से। तो ऐसे अपन कोई भी डिटरमिनेंट है उसके माइनस राइट करते हैं जिसको अपन mi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सारणी के उप सारणी को राइट करने के लिए अपन क्या करेंगे हर एक अवयव का उप सारणी लिखते हैं। उप सारणी लिखने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट a11 है, a11 ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एस एज इट इज रहेंगे। बाकी के पास जो क्या रिमेन है फोर एलिमेंट्स हैं वो उसको अपन सारणी फॉर्म में लिखेंगे। इसको अपन m11 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड वही है अपन पहले इसका जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस जो जनरल अपने पास आएगा उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे अपन कोई भी जो डिटरमिनेंट है उसके माइनस निकालते हैं अपन। ये एक सिंपल एग्जांपल के लिए लिया है मैंने अपन इसके वैल्यूज भी हो सकती है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपन जो डिटरमिनेंट है ये a11 की फॉर्म में ही हो। न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज वेरिएबल्स ये सब हो सकते हैं। तो उसके लिए भी अपन ये मेथड यूज में लेंगे। तो इस मेथड की हेल्प से अपन कोई भी डिटरमिनेंट गिवन है उसके माइनस निकालते हैं माइनस इट मींस उप सारणी। तो कोई भी सारणी गिवन है उसके अपन उप सारणी इस मेथड से निकालें। ओके okay?